वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड हाईवेज एंड मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ में मैं नया एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूँ और नाम है मेरा उमर भट्ट। और आज मैं ट्रैवल करूँगा पाकिस्तान की मसरूफ तरीन और ख़ूबसूरत तरीन सड़क मरी रोड का। मरी रोड का पहला पार्ट एबटाबाद से नथिया गली आप देख चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला, बड़ा ही प्यार मिला आप लोगों से। और आज मैं इसका अगला पार्ट करूँगा, लेकिन आज मैं जाऊँगा मरी से नथिया गली। पहले मैं एबटाबाद से नथिया गली आया था और अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा मरी से नथिया गली को। और हम देखेंगे रास्ते में कौन कौन से पिकनिक स्पॉट आते हैं, कौन कौन सी फेमस गलियां आती हैं और सड़क कैसी है, लैंडस्केप कैसा है, सब्ज़ा कैसा है। तो मेरे साथ रहिएगा। मेरा ये सफ़र कुलडना चौक मरी से स्टार्ट हुआ है। ज़्यादातर मरी आने वाले लोग नथिया गली लाजमी आते हैं, चाहे वो यहाँ रात ना भी गुजारें। नथिया गली का रास्ता भी ट्रिप का हिस्सा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद की तरफ से मरी आते हैं। अभी जुलाई का स्टार्ट है और बर्फ़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ग्रीनरी का निज़ाम भी हैवी हो चुका है। वैसे तो जो मोटरवेज और हाईवेज की एपिसोड होती हैं उसमें मैं खाना नहीं खाता, और नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट आने नहीं आता कि रोटी नहीं खाती, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा हाईवे की इस एपिसोड में हम नाश्ता कर लेते हैं। जी देखें जी, नोफी पापा फुल लश पश रेडी और हेड्स टूवर्ड्स नथिया गली, और बीच में होगा नाश्ते का एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम इंशाल्लाह सारे साइट सीइंग करते हुए जाएँगे नथिया गली। प्याज का मसाला बनया हुआ इधर, प्याज का बड़ा आओ जनाब आओ। हाँ जी एक मिनट, अंडा चना भाई जी मोरक देखिए चने की प्लेटिंग कर देना, थोड़ी थोड़ी चने की प्लेटिंग कर दो। ठीक है अब हम लेट हो जाए। दरियागिरी कह रहे थे, दरियागिरी दरियागिरी बस खिदमत ही कर रहे हैं। अभी सिर्फ गुजारे वाला काम किया है, वैसे मैं पराठे खाता नहीं हूँ सफ़र में, सफ़र वैसे है थोड़ा एक घंटे का, तो एक दो लुक में लगाएंगे। ये देखें पूरा चांस दिया जा रहा है कि मैनू भी खुआओ। जानू जो भी आप 7-8 महीने के हैं, 2 महीने वेट कर लें बस। पराठा अच्छा बनाया इन्होंने, बल वाला। मैंने इसमें हरी मिर्चें और प्याज और टमाटर ज़्यादा सारे डलवाए हैं, ये भी बेहतर होता है वैसे अगर आपने ट्रैवल करना हो ना, तो ऑयल क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर पाते तो वेजिटेबल्स मैं मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा करवा दूँ।
नाश्ते के बाद दोबारा सफ़र शुरू किया। दरिया गली से बाड़ियाँ तक सड़क के कुछ हिस्सों पर काम हो रहा है। इस गेट को हम क्रॉस करेंगे तो केपीके में एंटर हो जाएंगे। पता है आपको, हमने मरी छोड़ दिया है जो कि रावलपिंडी की तहसील थी, और अब हम एबटाबाद में एंटर हो रहे हैं। ठीक है जी, ये जो पिछला आपने सारा बाज़ार देखा है, ये बाड़ियाँ बाज़ार था, ये पंजाब की हदूद में आता है। और ये जो पीछे मेरे आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये वाला ये केपीके की एंट्रेंस है मरी रोड पर। तो चलते हैं जी आगे। सड़क क्योंकि ऊंची नीची है, इसलिए ड्राइवर हजरात के लिए एक तफसीलन हदायत का बोर्ड भी लगाया गया है। केपीके में दाखिले के बाद सड़क मज़ीद अच्छी हो गई है। बाड़ियाँ बाज़ार से थोड़ा आगे जाएं तो टोल प्लाज़ा आ जाता है। यहाँ कार के लिए आपको 50 रुपये अदा करने होते हैं, जबकि लोकल्स के लिए एंट्री फ्री है। इस सड़क पर सियाहत सारा साल अरूज पर रहती है, जबकि इस सड़क पर कई कस्बे और शहर भी आबाद हैं, जिसकी वजह से यहाँ चहल पहल रहती है। दरख्तों की माशाल्लाह बहुत ताहत है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग एरियाज़ बहुत कम हैं, और अगर कोई लैंडस्लाइडिंग एरिया हो भी तो उसका बोर्ड लाजमी आपको नज़र आएगा। बाड़ियों के बाद वैली साइड आपके लेफ्ट पर आ जाती है और सड़क खूबसूरत नज़ारे पेश करने लगती है, लिहाजा इन नज़ारों को कैप्चर करने के लिए ड्रोन की खिदमत हासिल की जाएंगी। ये मंजर गलियात का सबसे मशहूर मंजर है, जहां होटल्स के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, गर्मियाँ गुजारने इधर आते हैं। कूजा गली से सीधे हाथ जाने वाली सड़क आपको अयूबिया नेशनल पार्क ले जाती है, जहां फैमिली के लिए पिकनिक की बहुत सी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। कूजा गली के फ़ौरन बाद डोंगा गली का स्टॉप आने वाला है। माशाल्लाह सड़क बेहतरीन है और सफ़र का भी मज़ा आ रहा है, इसलिए जगह जगह रुककर सड़क की ड्रोन फुटेज बना रहा हूँ। मरी से नथिया गली की तरफ सफ़र करें तो बाड़िया के बाद केपीके स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये सफ़र 36-37 किलोमीटर का है। मरी से आने वाले अक्सर लोग चांगला गली तक भी आते हैं। चांगला गली से आगे कूजा गली आती है,
जहाँ से आप अयूबिया नेशनल पार्क जा सकते हैं। कोजा गली के बाद आने वाला स्टॉप डोंगा गली है, जहाँ से काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स निकलते हैं और ये सफ़र 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। मरी रोड का सफ़र जारी है और तो बहुत तेज़ है, ऐनक भी गड्डी जी किधर गुआच गई है, चाँव में बैठ जाते हैं। हाँ ये ठीक है, तो डोंगा गली आने वाली है। डोंगा गली बड़ी ही मेरी एक फेवरेट जगह है, यहाँ पे मैं अक्सर रुकता हूँ, और लेकिन आज का जो निज़ाम है फैमिली के साथ है तो मैं नथिया गली जा रहा हूँ। अभी 3-4 किलोमीटर डोंगा गली है और वहाँ से इतने ही किलोमीटर बाद नथिया गली आ जाएगी। बेहतरीन किस्म की सड़क है सुबहान अल्लाह, और बाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद सुबह चेंज हुआ था तो सड़क भी ऐसे चेंज हुई थी कि निज़ाम बदल गया था, ज़िंदगी बदल गई थी। मैं यहाँ पे कोई भी अपनी गाड़ी लेके आ सकता है, हाँ गाड़ी की हालत अच्छी हो, थोड़ी सी बीच में चढ़ाई आ जाती है। और ये 32 किलोमीटर का सफ़र था, बड़ा ही खूबसूरत चल रहा है। 27 से 28 किलोमीटर हम कर चुके हैं और इसको एंड करते हैं चल के नथिया गली के बाज़ार में। मेरे साथ रहिएगा। डोंगा गली से नथिया गली आने में महज 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, और सड़क के इस हिस्से में आपको इटालियन, कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड के कई पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जनाब मैं पहुंच गया हूं नथिया गली। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं यहां पे कुछ 10 के करीब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और नथिया गली एक हब है, एक बेस कैंप है। यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस निकलती हैं। 32-33 किलोमीटर का ये सफ़र था। पहले मैंने ट्रैवल किया था एबटाबाद से नथिया गली, और अब मैंने मरी से नथिया गली कर दिया, तो मैंने ये दोनों सफ़र पूरे कर दिए हैं। इसका अगर आप पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अब मेरे चैनल पर मरी से नथिया गली और नथिया गली से एबटाबाद का सफ़र मौजूद है। और ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन और मसरूफ तरीन सड़क है और बेहतरीन सड़क है, ये भी इसमें ऐड करता जाऊँ। बड़ा ही अच्छा लगा, और 32 मिनट का सफ़र वैसे हो जाता है आपका 1 घंटे में, मैंने 1.5 घंटा लग गया, मैं ज़रा फ्लाइटें कर रहा था। तो इस एपिसोड का मुझे रिव्यू दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप क्लियात में मौजूद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ट्रैक देखना चाहते हैं जहाँ फैमिलीज भी जा सकती हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप एबटाबाद शहर के बुलंद तरीन और ठंडे तरीन मकाम की सैर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। क्लिक ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।